हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यह एक 21 इंची का सीआरटी टीवी है और ये टीवी का अंदर देखिए एक चाइना पीसी भी है, ठीक है। तो ये टीवी का जो प्रॉब्लम मैं आपको सामने ही सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ, ये सीरीज लाइन से मैं सब कुछ टेस्ट करता हूँ। और देखिए, टीवी ऑन हो गया स्टैंड बाई से, और स्क्रीन पर जो लाइट आना चाहिए देखिए लाइट नहीं है, लेकिन हल्का सा देखिए ये फ्लैशिंग टाइप इस तरह। तो दोस्तों देखिए, फ्लैशिंग टाइप इस तरह ये लाइट देखा जाता है, और ये रेनबो टाइप, ठीक है दोस्तों, जो एक्चुअली मेनली रेनबो कलर होता है, ये सेम टाइप ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों अच्छा करके देखेगा तो अब देखिए, और मेनली जो बैंडेड पीसीबी होता है और जिस पीसीबी का अंदर वर्टिकल आईसी प्लस सप्लाई एवं नेगेटिव सप्लाई, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई देखा जाता है, वो टीवी का अंदर मेनली वर्टिकल नेगेटिव सप्लाई प्रॉब्लम हो जाता है और आईसी भी फॉल्ट हो जाता है, इस तरह अधिक फॉल्ट होता है। लेकिन जब चाइना पीसीबी होगा, अब देख सकते हो जो चाइना पीसीबी है, चाइना पीसीबी के अंदर अधिकतर ये जो बेस होता है, आप देख सकते हो जो बेस, ये बेस ही अधिक टाइम फॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये बेस को चेंज करके देखूंगा, उसका पहले आपको थोड़ा वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ कि देखिए इसका जो 180 वोल्ट का लाइन, ठीक है, ये 180 वोल्ट का लाइन पर कितना वोल्ट है। देखिए यहाँ पर देखिए वोल्टेज ओके है, 180 वोल्ट ओके है। तो चलिए आपको दोबारा दिखाता हूँ, 180 वोल्ट लाइन पर देखिए वोल्टेज ओके है, और कुछ भी चेंज चेक करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम ये बेस चेंज करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं बेस को ओपन करके भी एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप ये वीडियो इसकी मत कीजिए, और ये मैं इस टाइम बेस चेंज करके आपको दिखाऊंगा, और आप शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं बेस को ओपन करके आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों देखिए, न्यू बेस लगाने का बाद ये पिक्चर ट्यूब का साथ आप कनेक्शन करने का समय आप देखिए, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये बहुत टाइट लगता है कि इसका अंदर आसानी से ना नहीं जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो आप प्रेशर देके ये पिक्चर ट्यूब का अंदर कनेक्शन करेगा तो अधिक टाइम ये पिक्चर ट्यूब का नेक वो टूट जाने का चांस होता है, और वो टूट जाएगा तो ये पिक्चर ट्यूब खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए देखिए, मेरा पास एक निडिल है, ठीक है, तो ये अलग सा निडिल है, तो चलिए ये निडिल काम नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा सा रुकिए, मैं अलग निडिल लेके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरा पास ये जो निडिल है आप देख सकते हो, इसका नंबर अभी मेरा याद नहीं है। तो इस तरह आप निडिल लेके ये जो पिन, बेस का पिन, यहाँ पर जस्ट आप इन और आउट कर दीजिए, ठीक है, जस्ट इन और आउट, इन और आउट, ये सभी पिन पर इन और आउट करने का बाद ये जो बेस होता है ये थोड़ा लूज़ हो जाता है, ठीक है। जब ये लूज़ हो जाएगा तो दोस्तों उसका बाद ये पिक्चर ट्यूब का पिन का साथ आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। अब देखिए, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए जो न्यू टेक्नीशियन होता है आप ये पोजीशन बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप प्रेशर देके ये कनेक्शन करेगा तो पिक्चर ट्यूब टूट जाएगा, तो वो पिक्चर ट्यूब पूरा ही बेकार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट सप्लाई देके दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों देखिए, आपको सब कुछ प्रैक्टिकली डायरेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसका लाइट बिल्कुल ओके आ गया, स्क्रीन बिल्कुल ओके आ गया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं वीडियो लाइन देख के आपको दिखाऊंगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बात, आप सब लोगों के लिए मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है। आप चाहे तो वो ग्रुप पर आके आप लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद ये ग्रुप के अंदर मैं जो लिंक दिख के रखा है वो लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है दोस्तों। और आपका जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप पर। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से मैं थैंक यू देता हूँ, और जो दोस्त ये चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है वो दोस्त को मैं थैंक यू देता हूँ।